जी बोलिए। हाँ मैं सुन रहा हूं। जी ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं। क्या हुआ, किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था, एक और डेड बॉडी मिली, लाश की पहचान भी नहीं हो पा रही है और कोई कोई लेने भी नहीं आया। पुलिस का कहना है कि अंजलि, शायद हमारी अंजलि हो। गणपति पापा, ये मेरा 16th बर्थडे है, प्लीज इस बर्थडे को बेस्ट बर्थडे बनाना। अंजलि नहीं है, ये जानकर समझ में नहीं आ रहा है कि खुशी मनाएं या गम। सर कुछ तो पता चले कि मेरी बच्ची कहां गई, क्या हुआ उसके साथ, इस तरह बीच में तो। I understand। हर तलाश का अंत जरूरी होता है, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा। एक जरूरी बात, अंजलि को लापता हुए 7 साल होने को है, 1-2 महीने में ऑफिशियली हमें इसको बंद करना होगा। और ये भी मान के चलना होगा कि अंजलि अभी इस दुनिया में नहीं है। We'll have to declare her dead। केस बंद कर देंगे सर? सर अगर केस बंद कर देंगे तो कैसे जिएंगे हम लोग, कैसे, कुछ भी तो नहीं पता चलेगा अपनी बच्ची के बारे में। ठीक है मिस्टर राणे, हम खुद इस बात को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अंजलि का अभी तक पता क्यों नहीं चला, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिस्टम है, हमें इसको मानना पड़ता है, हमारे हाथ बंधे। I'm sorry। वो आजादी क्या जो सिर्फ पिंजरे में घूमने फिरने की छूट दे। अंजलि की हालत पिंजरे में बंद एक ऐसे जानवर की तरह से थी जिसकी आजादी उसकी बेड़ियों की लंबाई तक सीमित होती है। कौन है ये अंजलि, क्या है इसकी कहानी, और क्यों आज के इस आजादी भरे मुक्त जीवन में भी अंजलि के पैरों में बेड़ियां थी? वो कौन था जिसने अंजलि और उसकी 6 साल की मासूम बेटी के पर काट दिए थे, उन्हें कैद कर दिया था, और क्यों? बेटा उठो, चलो जल्दी उठो, सुबह हो गई है। चलो उठो, उठो जल्दी जल्दी उठो, उठो 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 उठो। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बच्चा, चलो चलो अब रेडी हो जाओ। गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल, जल्दी उठो जल्दी उठो। This is Rush। Tina, which color?
Pink. Very good. And? Green. Green. चलो अब मम्मा टीना को स्टोरी सुनाएगी. स्टोरी सुनेगी ना टीना? हाँ मम्मा. कौन सी स्टोरी सुनेगी? पापा तुम अंदर जाओ. पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती. बाबा छोड़ा ना था प्लीज. ये दिन रात अंजलि की तलाश. हाँ पागलपन सवार हो गया आप दोनों पर. सांगुन सांगुन थक लो मी. पागलपन? माँ बाप का बच्चों के लिए प्यार पागलपन लगता है तुझे? अरे अगर उसकी जगह तू होता ना तरी पण भी हेस केला असता. पर तुझे तो उसकी चिंता ही नहीं है ना. ये गलत है बाबा. प्रशांत भी अंजलि से उतना ही प्यार करते हैं इसीलिए तो. हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ ये तलाश आप बंद करो वरना ना आप शांति से जिएंगे ना अंजलि शांति से. प्रशांत! नहीं नहीं पूरा पूरा बोल के जा. क्या चाहता है तू? कि अंजलि अंजलि मर जाए? चाहता हूँ. रोज रोज के आपके ड्रामा से पक गया हूँ मैं. छुटकारा पाना चाहता हूँ. इतना गला भला मरती है तो मरने दो. प्रशांत! बाबा बेड नहीं टीवी. टीवी के अंदर बेड. ओ करे स्मार्ट टीना. जो टीवी के अंदर रहता है वो सब झूठ मूठ रहता है. सपने में भी झूठ मूठ रहता है ना मम्मा? क्या आपकी बेटी हमेशा ऐसे ही रहती है? इधर आओ. मम्मा के पास आओ. हमेशा से ये कमरा ऐसे खाली नहीं होता. वेरी गुड. अंजलि गई है. ऐसा नहीं है टीना. सारी छोटी मोटी चीजें इकट्ठी. टीवी में सब कुछ झूठ नहीं होता. हमारे हिसाब से सच भी होता है. खिलाने के लायक ही नहीं. वो देखो वो पेड़ दिख रहा है? वो देखो वो बर्ड्स और वहाँ वो रिवर है ना? किस कॉलेज में पढ़ती थी वो? सब कुछ सच होता है. मैं टीचर हूँ. तुम्हें जाना है वहाँ? हाँ मम्मा. तब से उसे मैं ही घर पर. एक दिन तुम जरूर जाओगे. मम्मा का प्रॉमिस है. पिंकी प्रॉमिस. अपनी बच्ची से किया वादा मैं जरूर पूरा करूंगी. 7 सालों से इस कमरे में कैद मैं धीरे धीरे बुझ रही हूँ. खत्म हो रही हूँ. चारों तरफ गुलामी दर्द अंधेरा और खौफ. मैं अब तक मर चुकी होती अगर अगर मेरी बच्ची मेरी जिंदगी में नहीं आती. इस कैद से और इस हैवान से मुझे मेरी बेटी के सिवा और कुछ नहीं मिला. अब उस हैवान की नज़र मेरी बच्ची पर है. लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी. मैं अपनी बच्ची को इस गुलामी से बाहर निकालूंगी. पिछले 5 सालों से मेरी यही कोशिश रही है. गुड मॉर्निंग मम्मा. अरे उठ गया. गुड मॉर्निंग. ये देख 5 सालों में कितना बड़ा हो गया. बस कुछ ही टाइम बाद तू यहाँ से निकल पाएगी. उसके बाद बाहर की दुनिया देख पाएगी बिल्कुल वैसी जैसे टीवी में. मम्मा मुझे भूख लगी है. हो भूख लगी है? चल हम दोनों तैयार होते हैं उसके बाद नाश्ता करते हैं. हाँ और उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है. प्रैक्टिस? ओहो यहाँ से बाहर जाके तू क्या करने वाली है? उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है ना. हाँ चल. स्टेप वन आपको हाथ ऐसे रख के और अपने आप को आगे मूव करना है. वेरी गुड. उसके बाद आपके फेस पे ना लाइट आएगी
सनलाइट, लेकिन डरना नहीं, ओके? और फिर आपको पता है ना कि वहां जाके आपको क्या बोलना है, वहां जाके आपको भागना है, ठीक है? और सबसे पहले किसके पास जाना? पुलिसमैन के पास। पुलिसमैन? हाँ, और उनको क्या बोलोगे? हेल्प अरविंद राणे, अरविंद राणे, एलजीआई कॉलोनी, एलजीआई कॉलोनी, कांदिवली, कांदिवली। ओके, करोगे ना? जैसे मैंने सिखाया बिल्कुल वैसे ही करोगे ना? मम्मा, आप क्यों नहीं जाओगे मेरे साथ? बेटा, मैं नहीं जा सकती ना। मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी मम्मा। फिर तुझे जाना होगा, मैंने सिखाया ना, बिल्कुल वैसे ही करना। मम्मा, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी तू? मुझे जाना ही होगा। 5 साल से वो छेद बना रही हूँ तेरे लिए, ऐसे कैसे नहीं जाएगी तू? क्या चाहती है? सड़ना चाहती है मेरी तरह? यहाँ वो आदमी जैसे मेरे साथ करता है, वैसे तेरे साथ भी करे? सॉरी बच्चा, मम्मा ने टीनू के ऊपर चिल्लाया ना। इट्स ओके मम्मा, आई लव यू। आई लव यू टू बच्चा। टीनू, पता है बाहर ना सब कुछ बहुत अच्छा है, हमने जैसे टीवी में देखा था ना, बिल्कुल वैसा ही। बड़ा गार्डन है, और एक नहीं बहुत सारे, एकदम ग्रीन ग्रीन, हर जगह हरियाली। टीनू जाएगी ना वहाँ? हाँ, वो पता है वहाँ ना नाना है, नानू है, मामा है। पता है नाना ना टीनू को बहुत प्यार करेंगे, और नाना के पास बहुत बड़ा घर है, टीनू को वो हर जगह घुमाएंगे, बहुत प्यार करेंगे नानू, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मा को किया करते थे। अंजलि को लापता हुए 7 साल बीत चुके थे, और इन 7 सालों में अंजलि के माता पिता की जिंदगी मानो थम सी गई थी। एक तरफ लगातार व्याकुलता में जीते ये दोनों इस बात से बेखबर थे कि अब उनकी एक नवासी भी थी, और दूसरी तरफ संतान के प्यार और अदम में हिम्मत के चलते अंजलि एक बहुत ही खतरनाक योजना को अंजाम देने वाली थी। टीना, जिसका बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, जिसने खुली हवा में कदम तक नहीं रखा था, जो एक कमरे में जन्मी पली और बड़ी थी, इस 6 साल की बच्ची को अंजलि आज़ादी की तलाश में बाहर भेजने वाली थी। कहीं आजादी दिलवाने की होड़ में अंजलि अपनी बेटी का जीवन दांव पर तो नहीं लगा रही थी? देखो, तुझे पता है ना यहां से बाहर निकल के तुझे क्या करना है? तब तक भागते रहना जब तक बहुत सारी गाड़ियां नहीं दिखे, और उसके बाद खाकी वर्दी में किसे ढूंढना है? पुलिसमैन। वेरी गुड, और क्या बोलोगी उनसे? हेल्प अरविंद राणे नानू, बिल्डिंग नंबर 10, एलजीआई कॉलोनी, कांदिवली। वेरी गुड, एक हफ्ते में वो वापस आ जाएंगे, तब उन्हें पता चल जाएगा कि तू यहाँ नहीं है। उससे पहले तुझे नाना नानू के पास पहुंचना है। जितना हो सके उतना फास्ट भागकर यहाँ से दूर जाओगी, ओके? सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। जाओ बेबी, जल्दी जाओ, गुड गर्ल। क्या हुआ? ए सुनो, डरना मत, ओके बेबी? जा, जाओ। नहीं जाना मम्मा। नहीं बेटा, जाओ। Oh,
रीना को भेज दिया और उसने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी। पता नहीं मैंने ठीक किया या गलत। फिर आप उसकी रक्षा करना भगवान, उसके साथ रहना। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। क्या हुआ जल्दी बेटा? लगी तो नहीं कहीं? हाथ दिखाओ। अरे कौन है बेटा आपके साथ? कोई है क्या? Help. Help? Police uncle, help LGI colony. Arvind Rane, Nana, Kandivali. आप कांदीवली में रहते हो बेटा? अच्छा आ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरा ऑटो है बेटा। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बेटा आराम से। हाँ देखिए ना दरवाजे पे कौन आया। हमेशा से एक कमरा ऐसे खाली नहीं हुआ करता था। सर नमस्ते। सर ये रिक्शा वाला बोल रहा है कि ये लड़की यहाँ पे रहती है। मैंने इसको बोला कि ये लड़की यहाँ पे रहती नहीं है, लेकिन फिर भी मान नहीं रहा। साहब आप अरविंद तरह है ना? वो बरोबर। साहब ये बच्ची काफी देर से आपका नाम ले रही थी, इसी ने मुझे यहाँ का पता बताया। क्या हुआ? कई मिसअंडरस्टैंडिंग ले लिया है यहाँ का ना। मैडम ये बच्ची मिली, साहब का नाम ले रही थी, यहाँ का एड्रेस बताया, मैं बच्ची को यहाँ पर ले आया। एक मिनट मैं बख्त हूँ। बेटा किसने भेजा आपको? बेटा अपना नाम बताओ और आप यहाँ कैसे आ गए? हेल्प अरविंद राणे नाना। अपने मम्मी पापा का नाम बताओ। मम्मा अंजलि। अब मैंने जो सुना वो आपको बताया। सर बार बार मेरा नाम ले रही थी तो समझ में ही नहीं आया हमारी, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। हेलो बेटा, कैसे हैं आप? बेटा कैसे आई आप यहाँ पर? मम्मा। मम्मा यानी अंजलि राणे? मम्मा अंजलि। बेटा आपके मम्मा कहाँ पे हैं? कहाँ मिली है तुम्हें? नवी मुंबई साहब, अकेली थी, गाड़ी के नीचे आने वाली थी, बार बार बोल रही थी कि कुछ पुलिस हेल्प अरविंद राणे कांदीवली। बेटा आपकी मम्मा नवी मुंबई में है? बच्ची को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाना हो। यस सर। कहीं कोई इंजरी या कोई अंदरूनी चोट ना हो। यस सर। और तुम शहर में ही रहना, जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे पूछताछ के लिए। साहब मैं तो इसकी मदद कर रहा था, कहीं इसके चक्कर में मुझे ही तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चे को लेकर आए, अच्छा काम किया। जाओ तुम। जी सर। मिस्टर राणे हमें बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाना हो। ठीक है, बच्ची को लेकर आओ। मम्मा चाहिए। एक मिनट, बेटा बाहर आओ। मम्मा जी। देखो डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ आओ बेटा। मम्मा जी। सर बच्ची बहुत डरी हुई है, क्या इसका मेडिकल टेस्ट यहाँ घर पर नहीं हो सकता? शिंदे सर, बच्ची के सारे मेडिकल टेस्ट इसी घर में अरेंज करो, इसके सारे टेस्ट घर पे ही होंगे। राइट सर।
मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अब ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, तुम यहाँ पे कैसे आई? आपको हाथ ऐसे रख के और अपने आप को आगे मूव करना है। करो। वेरी गुड। मेरी मम्मा ने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा? पापा कहाँ हैं? तुम मम्मा से नाराज हो? हेल्प मम्मा। राणे, हम मेडिकल रिपोर्ट्स की वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारे हाथ में रिपोर्ट आएंगी तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। चिंदे सर, हम क्यों इस लड़की पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? पता नहीं कौन लड़की है ये, और अंजलि जिंदा होती तो वापस आ जाती ना। अंजलि का ही पता नहीं है तो ये लड़की कहां से आई, और वैसे भी ये केस अब बंद होने वाला ना। तू चुप कर, पता है तू क्या चाहता है? सर कोई तो तरीका होगा जिससे ये साबित हो कि ये बच्ची। ऑफ कोर्स है, अगर आपका डीएनए बच्ची के डीएनए से मैच करता है तो ये कंफर्म हो जाएगा। बाबा मम्मी का मन तो है, चलो मान लिया ये लड़की अंजलि की है, लेकिन ये सब आपको अजीब नहीं लगता? ये अकेले अचानक कहाँ से है, कैसे वो यहाँ कैसे पहुंची, कैसे आई, मतलब का ही फर्क पड़ता है। एक बार ये साबित हो जाए कि वो अंजलि की बेटी है इसका मतलब अंजलि जिंदा है। बरोबर ना सर? हो सकता है। सर आप सही बोल रहे हैं, बच्ची बार बार माँ मेंशन कर रही है और हेल्प बोल रही है। हो सकता है अंजलि को मदद की जरूरत हो जो वो इसके जरिए मांग रही हो। वैसे बच्ची काफी ट्रॉमा में है। शिंदे सर, मिस्टर एंड मिसेस राणे के ब्लड सैंपल्स डीएनए एनालिसिस के लिए भिजवा ताकि कंफर्म हो कि ये अंजलि की बेटी है या नहीं। और हाँ, न्यू बॉम्बे की सभी पुलिस चौकियों को कोऑर्डिनेट करो और एक सर्च ऑर्गेनाइज करो, और स्केच आर्टिस्ट को बुलवाकर अंजलि का एक और स्केच बनवाओ जिससे पता चले कि 7 साल बाद वो कैसी दिखती हो। ओके सर। और ये दूसरा कॉल मम्मी का। देनी थी उसे, फिर रात में तबीयत बिगड़ गई तो। अच्छा चलो, टीना, टीना कहाँ गई? मैं बाथरूम में देखता हूँ। टीना, अरे बाप रे, ये क्या है? डीएनए रिपोर्ट, इट्स अ मैच। अंजलि, हमारी अंजलि की बच्ची। कैसी है वो लड़की? टीना नाम है उसका। सर अब तो हमारी अंजलि का केस रीओपन होगा ना। मिस्टर राणे, हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस में इस केस के एक एक पहलू की फिर से जांच कर रहे हैं। सर अब तो हमारी अंजलि मिल जाएगी ना। मैं आपको झूठी उम्मीदें नहीं दूंगा मिसेस राणे, कई पॉसिबिलिटीज। ये हो सकता है कि अंजलि खुद नहीं चाहती कि हम उसे ढूंढ निकालें। दूसरा ये कि जिस तरह से ये बच्ची अकेले हमारे पास आई है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अंजलि शायद इस दुनिया में ना हो। कुछ भी हो सकता है। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें टीना से बात करनी है। शायद कोई इन्फॉर्मेशन निकल सके। क्या हम टीना से बात कर सकते हैं? सर अभी वो बात करने की हालत में नहीं है। आई अंडरस्टैंड। ठीक है तो हम उस साइकेट्रिस्ट से बात कर लेते हैं, शायद वहां से कुछ पता लगे।
मैं बच्चे को जितना समझने की कोशिश कर रही हूँ समझ नहीं पाई हूँ। वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है, किसी भी चीज पे रिएक्ट ही नहीं करती है। इतना ही नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहरी चीजों से काफी डरती है, पेड़ पौधे, सनलाइट, बाहरी जगहों से बेसिकली। इनफैक्ट मैंने पहली लड़की देखी है जो आइसक्रीम से भी डरती है। इन सब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बंद कमरे में रही है, यू नो, जहां पर बिल्कुल रोशनी ना हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ से भी डरती है या ऐसा कुछ और? नो नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट वो अपनी माँ का बार बार जिक्र करती है, उसे बचाने की बात करती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी माँ वही है जहां से वो आई है। अंजलि का नया स्केच ये रहा सर। शिंदे सर, याद है मिस्टर राणे ने क्या कहा था कि उस दिन 7 साल पहले अपने जन्मदिन वाले दिन अंजलि अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी। पापा, 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 मैं कॉफी पीने जाऊं प्लीज? नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की, देखो बेटा अंधेरा होने वाला है। पापा, इट्स माय बर्थडे। अंजलि ओके आप ही ना, हमेशा उसका सच। अंजलि चल, वापस जा रही है। एक बार फिर से बताइए सब कुछ डिटेल में। अंजलि का बर्थडे था उस दिन और हम कॉफी शॉप गए थे कॉफी पीने के लिए, और जब हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे तब रास्ते में मुंह देखा था इसका। अरे मुझे क्या पता था कि ब्लैक कॉफी का टेस्ट इतना कड़वा होगा। इसलिए हम दोनों ने कोल्ड कॉफी ऑर्डर की थी। तू एमी ओवर स्मार्ट बन रही थी। अरे देख, इसका बॉयफ्रेंड है ना, इसको फॉलो कर रहा है पीछे। मेरा बॉयफ्रेंड? हाँ। पागल, बॉयफ्रेंड नहीं है वो मेरा। अच्छा, मेरे नेक्स्ट बिल्डिंग में रहता है इसीलिए इसी रोड से आ रहा है। लेकिन वो तुझे पसंद करता है, एक बार उसे बात तो कर। पागल है क्या, कुछ भी बोलती है। अरे ये ना गुड गर्ल है, ये पापा की परमिशन के बिना ना किसी से बात नहीं करती। हाँ हाँ कुछ भी। हाँ सर, ये सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और इतने सालों बाद आप लोग वापस क्यों पूछ रहे हो? ये हम डिसाइड करेंगे कि तेरा लेना देना था या नहीं। प्यार करता था ना उससे? सर मैं उससे प्यार करता था, और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। और सर मैं उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम उससे मिले थे उसके दोस्तों के जाने के बाद? नहीं सर, उनका वो सफाई वाले के साथ झगड़ा चल रहा था, मैं तभी वहां से निकल गया। चलना यार कहीं घूमने चलते हैं। अरे नहीं नहीं यार, इसका बर्थडे है। अरे पागल है क्या, साथ चलना यार, प्लीज पापा बहुत डांटेंगे यार। दिखता नहीं क्या इधर? इधर मैं साफ कर रहा हूँ ना, और कचरा फेंक दिया। अरे भैया वो देखा नहीं, लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हो इतना? अरे माँ बाप ने सिखाया नहीं क्या, इधर कचरे का डब्बा लगा हुआ है, अरे लेके जा इसको। अरे भाई, गाइस सो रूड यार, बात करने की तमीज नहीं है। तमीज मुझे नहीं है, तमीज होता तो यहाँ फेंकती तू, इधर नहीं। सर इतना टाइम हो गया, ठीक से कुछ याद नहीं है साहब। इतना पुराना केस, इतने टाइम से चल रहा है, इतनी बार गवाही दी है तूने, फिर भी याद नहीं आ रहा है? साहब मुझे इस झमेले से दूर रहने का है साहब। 7 साल से चिकट कचरे के माफिक चिपकेला है साहब, 10 बार गवाही दे चुका हूँ। तो 11वीं बार और दे दे, वरना थाने लेके जाएंगे और 10 बार उगुलवाएंगे तेरे से। काय को साहब, बताता है ना अपन, उस दिन अपन उन लोगों पे चिल्लाया साहब। चल चल चल, आइसक्रीम खिला तुझे, चल चल। अरे लेके जा इसको, तमीज सिखाएगी मुझे। अरे सिखा दूंगा इसे तमीज, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। चल ना यार, बदतमीज है, तुझे आइसक्रीम खिलाती हूं मैं। अरे चल ना, छोड़ ना यार, दिमाग खराब कर दिया। अच्छा चल ठीक है, अब आइसक्रीम खाते हैं और मेरी तरफ से खाते हैं, ठीक है? आंटी 3 आइसक्रीम दे दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, अंजलि राणे केस के बारे में बात करनी, 7 साल पहले जो हुआ था, आप जरा हमें फिर से डिटेल्स दे दीजिए प्लीज। 7 साल पहले? माँ 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 माँ, एक मिनट। हाँ सर, एक मिनट सर। सर माँ को कुछ याद नहीं रहता, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई। अच्छा, वो इतने साल की दुकान पे बैठने की आदत है ना,
इसलिए अभी भी आ जाती हैं। वैसे डॉक्टर ने तो उनको मना किया बैठने के लिए। मैं बता सकता हूँ आपको, मुझे याद है माँ ने जो भी कहा था, आप मुझसे पूछ लीजिए। फिर बताइए उस दिन 7 साल पहले क्या हुआ था। उमेश हाँ, 3 आइसक्रीम देना, 1 वनीला, 2 मैंगो। ए पर गलती तेरी भी थी। हाँ हाँ यार, तुझे ऐसे कचरा नहीं फेंकना चाहिए था। हाँ हाँ, 60 रुपये मैंगो। हाँ आंटी, 1 मिनट। हाँ अच्छा है ना, आज तो इसके बर्थडे पे आइसक्रीम ट्रीट भी दी हमें। चल अब तो दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ यार, तेरी आइसक्रीम ने ठंडा कर दिया है ना। चलो यार अब बहुत लेट हो गया, मैं निकलती हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड टेक केयर। ओके हैप्पी बर्थडे, चलो कल मिलते हैं ठीक है। ओके बाय बाय। सर उसके बाद अंजलि को किसी ने नहीं देखा, मानो गायब हो गई। जनरली आइसक्रीम पार्लर से उसके घर तक आने के रास्ते में हमेशा भीड़ होती है। याद है मिस्टर राणे ने अपने बयान में क्या कहा था, एक शॉर्टकट भी है जो सुनसान रहता है। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है वही हुआ है। सर वैसे भी वो जल्दी में थी तो शॉर्टकट लिया होगा, या फिर अपनी मर्जी से भाग गई हो। नहीं मुझे नहीं लगता, 16 साल की लड़की अगर अपनी मर्जी से भागती तो पकड़ी जाती, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। उसे किडनैप किया गया है लेकिन किसने और क्यों, बस ये पता लगाना है। सर वैसे भी ये मामला इतना पुराना है, इतना टाइम भी गुजर गया है, अब तो हमारे लिए और भी मुश्किल होगा। नहीं शिंदे, अब हमारे पास टीना है। एक काम करो सर, जिन लोगों पे पहले दिन से शक था उन सब के लाइनअप की तैयारी करो, टीना से आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, शायद किसी को पहचान ले। यस सर। टीना बेटा, आप अपनी मामा का हेल्प करना चाहते हो ना, अभी मैं कुछ आदमियों को बुलवाऊंगा, आप देख के बताना कि आप किसको पहचानती हो। ओके टीना बेटा बताना जरूरी है, मामा की हेल्प करनी है ना, बता दे बेटा। सर लगता है बच्ची बहुत डर गई है, और डॉक्टर ने भी तो कहा था कि अभी ये इस हालत में नहीं है। जी सर, जब तक टीना हमें इस केस के बारे में कुछ नहीं बता देती तब तक हमारे लिए इस केस को तो इसका मतलब है कि टीना जरूर बहुत ही खतरे में थी, इसीलिए वो इतना बड़ा रिस्क लेके बाहर निकली। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अंजलि ने टीना को छोड़ दिया हो, अबंडन कर दिया हो, और खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो, या फिर ना चाहते हुए भी इसलिए कि टीना सलामत रहे उसने उसे बाहर निकाल दिया। अगर ऐसा है तो टेंशन और भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है अंजलि को बचाने के लिए। एक काम करो शिंदे सर, अंजलि की केस की फाइल लेकर आओ। यस सर। मुझे लगता है कि हम साइकेट्रिस्ट के बयान से कुछ मिस कर रहे हैं। क्या कहा था उसने? मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहरी चीजों से काफी डरती है, पेड़ पौधे, सनलाइट, बाहरी जगहों से बेसिकली। इनफैक्ट मैंने पहली लड़की देखी है जो आइसक्रीम से भी डरती है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे बंद कमरे में रहने की आदत है। शिंदे सर, गाड़ी निकालो। यस सर। हेलो टीना, बेटा डरो नहीं, आज हम आपसे कुछ पूछने नहीं आए, आपको कुछ देने आए। शिंदे सर। सर हेलो, क्या हुआ टीना? नो आइसक्रीम, मम्मा ने बोला आइसक्रीम से ट्रबल होता है।
जी आपने छुट्टा नहीं लिया अपना? नहीं मैंने लिया ना। नहीं लिया, आप देखिए एक बार है मेरे पास। बस 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 उत्साह और उल्लास भरे जीवन में मग्न 16 साल की अंजलि ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक आइसक्रीम खाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसी की बदौलत वो 7 सालों से कैद में घुट घुट कर जी रही है। नतीजा अंजलि के मन में आइसक्रीम के प्रति अत्यधिक घृणा उत्पन्न हो गई और अंजलि के जरिए इस नफरत ने टीना के मन में भी अपना घर बना लिया। माँ बेटी के दिल में बसा यही खौफ पुलिस को असली गुनहगार तक पहुंचाने वाला था। टीना के मुंह से निकले उन चंद शब्दों ने उमेश को तुरंत शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। बेटा प्लीज हेल्प अस ताकि हम आपकी मम्मी को हेल्प कर पाए। मैं आपको एक आदमी की फोटो दिखाऊंगा, आपको ये बताना है कि आप उस आदमी को जानते हैं या नहीं। शिंदे चलो। बेटा मम्मा की हेल्प करनी है ना, बताओ बेटा। पापा उमेश कहाँ है? उमेश तो उधर। मैं आपके बेटे उमेश के बारे में पूछ रहा हूँ, उमेश कहाँ है? वो तो 4 साल का है। देखिए मुझे नहीं पता है कि आप वाकई याददाश्त खो बैठी हैं या अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कर रही हैं। जो भी है अपने बेटे को हमसे छुपाकर आप उसी के लिए और मुसीबत पैदा कर रही हैं। मुझे उमेश से बहुत जरूरी बातचीत करनी है, बताइए कहाँ है वो? सर कुछ नहीं मिला सिवाय इस एड्रेस के, नवी मुंबई में गोडाउन। चल 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 रुक नहीं सकते हम यहाँ पे, पुलिस पीछे पड़ी हुई है अपने, पता नहीं कैसे पता पड़ गया उनको। अरे उठना टीना, अरे तू बैठी क्या, उठ। टीना टीना कहाँ है? बच्ची कहाँ है? उठ उठ। भगा दिया सर, निकाल दिया। कैसे कैसे निकाला, कैसे भगाया? नाकाबंदी लगा दो, नवी मुंबई से कोई भी गाड़ी आ या जा ना पाए, नजर रखो। अंजलि उठाओ उसको। अंजलि अंजलि तुम ठीक हो?
अंजलि द्वारा सहे गए अत्याचार स्वरूप में शारीरिक जरूर थे, लेकिन उसने अधिक नुकसान पहुंचाया अंजलि के मन को। 7 सालों तक दी गई यातनाओं ने अंजलि के अंतर मन पर गहरे घाव छोड़े थे, जिन्हें शायद भरने में काफी वक्त लगने वाला था। बहरहाल बहुत कुछ खोकर भी आखिरकार अंजलि ने अपनी आजादी पाई। अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? अकेला उमेश नहीं, जागरूकता के अभाव में अज्ञानता का पनपना भी इस त्रासदी का मुख्य कारण है। अंजलि एक सुलझी हुई होनहार और आज्ञाकारी लड़की थी। उसे जीवन में सफलता के लिए हर जरूरी सीख दी गई थी, सिवाय सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के। काश अंजलि को स्वरक्षा का जरा सा भी इल्म होता तो वो बेशक उमेश से अपना बचाव कर पाती। वक्त आ गया है कि हम अन्य किस्म की शिक्षाओं के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की शिक्षा को भी महत्व दें, ताकि फिर से कोई अंजलि लाचार और असहाय होकर अपनी आबरू और अपनी आजादी न खो बैठे। आइए स्वतंत्रता के इस मूल्य को फिर से पहचाने और इसकी रक्षा करने का प्रण लें। याद रखें, हिम्मत के बिना इंसान आजाद नहीं है और आजादी के बिना इंसान जीवित नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।